नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। ना बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी कि ये छप रहा है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया इंडियन एयरफोर्स को कि वो टर्की चली जाए मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, या जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको बाहर निकालने में मदद करे, अपनी रेस्क्यू टीम वहाँ पे इंडिया भेज पाए, या जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भेज पाए वहाँ पे, या इवन जो मेडिसिन वगैरह है वो वहाँ भेज पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान से इंडिया ने पूछा ही नहीं है कि हमें आपका एयर स्पेस चाहिए टर्की जाने के लिए। इंडिया ने क्या किया है, पाकिस्तान के नीचे से होकर गल्फ ऑफ ओमान से घूम कर सीधा टर्की निकल गई है इंडियन एयरफोर्स की, जो C-17 ग्लो मास्टर है वो। 4 C-17 ग्लो मास्टर अभी तक इंडिया ने भेज दिया है टर्की में। C-17 ग्लो मास्टर एक बहुत बड़ा प्लेन होता है मिलिट्री का, जो ज़्यादातर आर्म एमुनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए मिलिट्री को रखा जाता है, या ज़्यादा मिलिट्री फोर्स कहीं भेजनी होती है तो उससे भेजा जाता है। लेकिन जब कहीं ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में कहीं कुछ भेजना होता है, या कहीं पे इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होता है, तो C-17 ग्लो मास्टर एक अच्छा एयरक्राफ्ट है जो वर्क करता है इन मामलों में। तो ये गया है जो ओमान की खाड़ी है उस साइड से घूमकर, पाकिस्तान से एयर स्पेस के लिए इंडिया ने पूछा ही नहीं है। इंडिया अपनी कभी भी मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं भेजता, और जब भेजता है तो वो एयर स्ट्राइक के लिए ही भेजता है। रही बात सिविलियन एयरप्लेन की, तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके इंडिया आया था। और इसके अलावा सीरिया में भी इंडिया ने अपना C-17 ग्लो मास्टर भेजा है, और 6 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम भेजी है। सीरिया और टर्की दोनों जगह पे ही बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। टर्की में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है जो अर्थक्वेक आया है परसों, और अभी आज भी वहाँ पे एक बार और अर्थक्वेक आया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है, 7 से 8 हज़ार लोगों की जान गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 हज़ार लोगों की जान जा सकती है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसे ही सीरिया में भी हुआ है, और इवन दो दुनिया की अदर कंट्रीज़ भी इनको हेल्प प्रोवाइड करवा रही हैं। टर्की को इंडिया हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है। अब इस पर मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, बहुत लोग लिख रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों को जो बेरोजगारी है, या बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है डे बाय डे, जो अपने यहाँ मेडिकल सुविधा अच्छी नहीं है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना चाहिए, टर्की को इतना हेल्प नहीं करना चाहिए, टर्की तो पाकिस्तान का दोस्त है। देखो दोस्त है, लेकिन अब इस जैसे मुद्दों पर इंडिया नहीं पीछे हट सकता है। इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया UNSC में परमानेंट सीट के लिए दावा करता है। इंडिया के पास में जिस तरह से पावर आएगी उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। इंडिया वैसे भी चाहता है कि जो टर्की है वो थोड़ा अपना स्टांस कश्मीर के मुद्दे पे सही रखे, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान का हेल्प करता है और आतंकवादियों का, वो उनका हेल्प करना छोड़ दे, नहीं तो पाकिस्तान जैसी भी स्थिति हो सकती है इन द फ्यूचर टर्की की, क्योंकि टर्किश लीरा लगातार गिर रही है। वैसे भी FATF के ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी टर्की है, क्योंकि वो आतंकवाद को और मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ावा देता है। और पिछले सितंबर अक्टूबर में आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी कि रसिया के कुछ खुफिया एजेंसियों ने 3-4 आतंकवादियों को पकड़ा था, जो लिटरली इंडिया के इलीट क्लास के पॉलिटिशियन, उनके ऊपर वो अटैक करने वाले थे जो टर्की से ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे। तो इस वजह से टर्की के हाथ में बहुत सारा गंदा लगा हुआ है, किस तरह से उसने आतंकवादियों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कश्मीर मुद्दे को बार बार इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन जब लास्ट टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में तैयब अर्दोगान से मिले थे, उसके बाद में जब उन्होंने UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तो उतने हैवी स्टांस से नहीं उठाया था जितने हर बार की तरह उठाते थे। तो इस वजह से इन द फ्यूचर हम ये आशा कर सकते हैं कि हो सकता है टर्की अपना स्टांस बदले, और नहीं भी बदल रहा है तो अब वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्य वाले देश के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया में कोई देश ज़्यादा सफर कर रहा हो तो उसकी हेल्प करें। हम तो तालिबान रूल अफगानिस्तान का भी हेल्प करते, 50 हज़ार टन गेहूं इंडिया ने भेजा पिछले साल अफगानिस्तान में। तो इस वजह से इंडिया ऐसा हेल्प प्रोवाइड करवाता रहता है, बाकी उन लोगों को तो टैकल इंडिया कर ही लेता है। जब टर्की विरोध कर रहा है इंडिया का, तब क्या इंडिया ने नहीं टर्की को टैकल किया है? इन द फ्यूचर भी करेंगे अगर उनका स्टांस नहीं चेंज होता है। बाकी जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है इंडिया, और 4 C-17 ग्लो मास्टर ऑलरेडी इंडिया ने सेंड कर दिया, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड और बहुत सारे जो है मिलिट्री पर्सनल जो स्पेशल ट्रेनिंग पाते हैं इसी सब चीज़ के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए, ड्रिल मशीन वगैरह, जो वहाँ पे मलबा गिरा होगा उसको काट कर इंसानों को निकालने के लिए, जो डॉग्स स्क्वाड होता है जो स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं इसी के लिए कि जहाँ भी ह्यूमन होंगे वो पता लगा लेंगे और उसके बाद में उनको बाहर निकाला जाएगा। और सीरिया को भी इंडिया हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है। और रही बात एयर स्पेस की, तो इंडिया ने पूछा ही नहीं था पाकिस्तान से। इंडियन मिलिट्री का ये स्टांस बहुत दिनों से है कि इंडियन मिलिट्री कभी भी पाकिस्तान का एयर स्पेस पूछ कर नहीं यूज करती है, जब यूज करना होता है तो स्ट्राइक वगैरह के लिए डायरेक्ट कर लेती है। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।